भक्ति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हम जानते हैं पिछले कई दिनों से मौसम के उतार चढ़ाव के चलते कभी आंधी, कभी बरसात और कभी ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जिन हमारे किसान भाइयों ने फसल बीमा करवा रखा है वो तुरंत नज़दीकी फसल बीमा कंपनी को सूचित करें और अपनी फसलों का क्लेम प्राप्त करें। साथियों, जिन किसान भाइयों की फसलें पक चुकी हैं या पकने वाली हैं वो फसलों की कटाई करते ही तुरंत ही सुरक्षित जगह पर रख दें ताकि अगर मौसम में बदलाव हो, ओलावृष्टि हो, तो आपकी फसलों को बचाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जो हमारे किसान भाई दुग्ध उत्पादन करते हैं वो भी अपने दुधारू पशुओं को विशेष रखरखाव के साथ उनके खान पान का उचित प्रबंधन करें ताकि उनका दुग्ध उत्पादन सतत बना रहे और आपको लंबे समय तक आमदनी प्राप्त हो सके। और आइए बात करते हैं आज आपके लिए क्या खास है। साथियों, आज हम आपको मिलेट कॉन्क्लेव 2023 की कुछ झलकियां दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। फसल बीमा दावों का डिजिटली भुगतान का डिजी क्लेम पोर्टल शुरू। कम आय वाले पशुपालकों के पशुओं का होगा निःशुल्क बीमा। किसानों को मोबाइल पर मिलेगा मौसम अलर्ट। और सरसों की पैदावार बढ़ाने के लिए अपनाएं फसल चक्र। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल के माध्यम से बीमा दावों का डिजिटल भुगतान का डिजी क्लेम मॉड्यूल का शुभारंभ हो गया है। इससे 6 राज्य के किसानों को लाभ मिल सकेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डिजिटल दावा निपटारा मॉड्यूल डिजी क्लेम का शुभारंभ करते हुए कहा कि अब दावों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा जिससे 6 राज्यों के संबंधित किसान लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि अब सभी बीमित काश्तकारों के जीवन को आसान बनाने और उन्हें एक स्थायी वित्तीय प्रवाह तथा सहायता प्रदान करने के लिए स्वचालित दावा निपटान प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह कृषि मंत्रालय के लिए गौरव की बात है कि किसानों की दावा राशि समयबद्ध और स्वचालित तरीके से डिजिटल रूप से प्राप्त हो सके। आयुष्मान भारत योजना के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश की बहुत बड़ी योजना है जो प्राकृतिक परिस्थितियों पर आधारित है। इस अवसर पर किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही सभी बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि 8 लाख से कम आय वाले पशुपालकों के पशुओं का बीमा निशुल्क किया जाएगा। ऐसे पशुओं का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि 8 लाख से कम आय वाले पशुपालकों के पशुओं का बीमा निशुल्क किया जाएगा। ऐसे पशुओं के बीमा प्रीमियम की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान पूरे देश में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला प्रदेश बन गया है। पूरे देश का लगभग 15% दूध का उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। पशुपालकों को आर्थिक संबल उपलब्ध कराने के लिए दूध पर प्रति लीटर 5 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। पिछले 4 सालों में पशुपालन के क्षेत्र में भी प्रदेश में नए आयाम स्थापित किए गए हैं। पशु चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया है। गौशालाओं को 9 माह अनुदान देने वाला राजस्थान एकमात्र प्रदेश है। अपाहिज गोवंश को 12 माह अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से गौशाला खोलने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने कहा कि किसानों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर मौसम पूर्वानुमान और सूचनाओं की जानकारी दी जाएगी। अब किसानों को जयपुर मौसम केंद्र द्वारा आंधी, बारिश, ओलावृष्टि, मौसम अलर्ट और पूर्वानुमान की जानकारी समय पर दी जाएगी।
इसके लिए जयपुर मौसम केंद्र द्वारा प्रदेश के 10 लाख किसानों को मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने मीडिया कार्यशाला में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप से मौसम अलर्ट और पूर्वानुमान किसानों को 4 से 5 दिन पहले मिल सकेगा। निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा जो पूर्वानुमान जारी किया जाता है वह ग्लोबल लेवल डेटा एनालिसिस के आधार पर जारी किया जाता है। जयपुर में एडवांस तकनीक सिस्टम लगाया गया है और मौसम की लगभग सटीक जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कभी कभी लोकल वेदर सिस्टम के कारण पूर्वानुमान प्रभावित हो जाता है। जयपुर मौसम केंद्र द्वारा डॉपलर रडार सिस्टम के साथ ही एडवांस तकनीक सिस्टम भी लगाया हुआ है। भरतपुर में आत्मा प्रशिक्षण में कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि सरसों की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान भाई फसल चक्र अपनाएं। आत्मा परियोजना भरतपुर द्वारा इनपुट डीलर्स के लिए एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स संचालित किया जा रहा है। इसके तहत व्याख्यान कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। एक व्याख्यान कार्यक्रम को कुम्हेर कृषि विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. उदय भान सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने बताया कि तना गलन और सफ़ेद रोली रोग के चलते सरसों की पैदावार घट रही है। लगातार एक ही खेत में उत्पादन लेने से इन रोगों के प्रकोप को बढ़ावा मिलता है। सरसों की पैदावार को बनाए रखने के लिए किसान फसल चक्र अपनाएं, खेत बदलकर फसल की बुआई करें। उन्होंने आदान विक्रेताओं को सौंफ और मेथी उत्पादन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने श्री अन्न को स्वास्थ्यवर्धक बताते हुए कहा कि बाजरा, ज्वार, कांगनी, रागी आदि फसलें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और विटामिन का सस्ता और अच्छा स्रोत है। कार्यक्रम को प्रशिक्षण प्रभारी डॉ. लक्ष्मण सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने संरक्षित खेती, प्री सीजन फार्मिंग, ड्रिप सिंचाई, फल सब्जी की खेती के साथ साथ बेर, आंवला, अनार, अमरूद, बगीचा स्थापना के बारे में बताया। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का फिर से स्वागत है। साथियों, हम सभी जानते हैं ये साल मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है, जिसके चलते हमारे प्रदेश में भी पिछले दिनों दुर्गापुरा स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में मिलेट कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के हजारों किसान भाइयों ने मोटा अनाज के बारे में जाना और तरह तरह की प्रदर्शनियों में जाकर मोटा अनाज को वैल्यूडेड करके आप किस प्रकार से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं इसके बारे में भी जाना। तो चलिए देखते हैं मिलेट कॉन्क्लेव 2023 का ये द्वितीय भाग। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसका मकसद है हर घर में पोषक अनाज का महत्व बढ़े, हर घर की थाली में पोषक अनाज सजे, संवरे और लोग उसका इस्तेमाल करें। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष का एक और मकसद है आमजन में मिलेट्स के प्रति जागरूकता बढ़ाना, खेती किसानी में मिलेट्स को प्रोत्साहन देना और साथ ही आम जन की सहभागिता सुनिश्चित करना। इसी उद्देश्य को लेकर पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार के कृषि विपणन विभाग द्वारा भी 13 से 14 मार्च तक राजधानी जयपुर के कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। समारोह में कृषि स्टार्टअप को आमंत्रित किया गया।
और उनकी स्टॉल्स भी लगाई गई। दो दिवसीय राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव में विभिन्न प्रकार के मिलेट्स के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई और देश के बेहतरीन कार्य करने वाले मिलेट्स स्टार्टअप को यहां आमंत्रित किया गया। कृषक वैज्ञानिक संवाद का यहां आयोजन किया गया और साथ ही कई प्रकार की गतिविधियां मिलेट्स को प्रोत्साहन करने वाली यहां किसानों के लिए रखी गई। जी नमस्कार, मेरा नाम रूप सिंह है। मैं भरतपुर जिले राजस्थान के एक FPO उत्थान मस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूं और इस मिलेट कॉन्क्लेव 2023 में भाग लेने आया हूं। जैसा हमने देखा, राज्य सरकार के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा आयोजन है। हम समझ रहे हैं कि मिलेट्स पर जो भी पदार्थ बन रहे हैं वो अपनी FPO की प्रोसेसिंग इकाई में हम डालें, ये हम प्रेरणा ले रहे हैं। हमने SSG ग्रुप FPO द्वारा बने हुए कादरी के संस्थान बहुत सारे चीज़ नोट किए हैं। मेरे साथ भी हमारे साथी FPO किसान आए हुए हैं, बड़ी बारीकी से इसको देख रहे हैं। हम राज्य सरकार की जो नीति है, प्रसंस्करण नीति 2019, जिसमें 50% से 75% सब्सिडी की है, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं, जिसके माध्यम से हम बहुत जल्दी इन प्रोसेसिंग इकाइयों को डालने वाले हैं। समस्या मार्केटिंग की है, जो हम ही कई स्टेज पर उठा रहे हैं, बार बार इनके बीच में जा रहे हैं। गवर्नमेंट हमें प्रमोट कर रही है, तो मेरा आग्रह गवर्नमेंट ये भी है कि कम मार्केटिंग में भी हमारी हेल्प करे। यहाँ पे राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव के अंदर में हम आए हैं और हम यहाँ पे जो विश्वविद्यालय के अंदर में मिलेट्स से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके आए हैं। हमारे विश्वविद्यालय में जो मिलेट्स के ऊपर में रिसर्च चल रहा है, जो वैरायटीज़ इम्प्रूव्ड है, वो यहाँ पे हम लेके आए हैं। इसी के साथ में मिलेट्स का जो ईयर इस साल सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी नीड को बताने के लिए आज यहाँ आप सबके साथ में है। और ये 2023 मिलेट प्रोडक्शन के लिए और मिलेट की इम्पोर्टेंस के लिए बहुत ही अहम साल साबित होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में जो मोटा ध्यान हम बोलते हैं उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी रूपरेखा इसी प्रांगण से सुनिश्चित होनी है। तो किसानों के लिए हम बताना चाहेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मिलेट्स का प्रोडक्शन, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से भी और पोषण के तरीके से, पोषण के स्तर से भी मिलेट का कंजप्शन आज की हमारी आवश्यकता है। बाजरे पर मैं लास्ट 10 साल से काम कर रही हूँ और हमारे दौसा ज़िले में मैंने इस बाजरे पे बहुत काम किया है। लोगों को बताया कि हमारे पोषण स्तर को सही करने के लिए बाजरा हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, पर अब सरकार भी ये प्रोग्राम लेके आ रही है ताकि हम कुपोषण को ख़त्म कर सकें और एक स्वस्थ राष्ट्र का विकास कर सकें। और इसी उद्देश्य से ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर हम लोग मना रहे हैं और इसी के तहत आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में आज ये श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्टॉल पर हमने बाजरे से बने हुए उत्पादों को प्रदर्शित किया है और लोगों को बताया है कि किस तरीके से हम प्रतिदिन अपने खाने में बाजरे को शामिल कर सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगी कि ये हमारे यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट बाजरे के बिस्किट हैं, जो कि 100% बाजरे में बनाए गए हैं और ये छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक पसंद कर रहे हैं और मार्केट में हमारी बहुत अच्छी डिमांड चल रही है। इसी के साथ हमने छोटे बच्चों के लिए, जो कि माँ का दूध छोड़ के और जो विनिंग फूड पर आ रहे हैं, जिनको कि हम ऊपरी आहार देते हैं, उनके लिए पंजीरी दी गई है, जो कि लास्ट 10 साल से मैं आंगनवाड़ी सेंटर्स पे महिलाओं को और जो हमारे छोटे बच्चे हैं उन पर ये हमने रिसर्च की है और इसका बहुत ही अच्छा स्वाद है। इसमें सारे पोषक तत्व समाहित हैं, जिनमें हम बात करें कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन और जिंक, जो कि बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग मिलेट्स ईयर मना रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि कुपोषण को ख़त्म करके और हम एक अच्छे स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकें। मेरी ये कंपनी मैंने 3 साल पहले शुरू की है। हम यहाँ पे हेल्दी फूड्स, हेल्दी स्नैक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम काफ़ी कंपनियों को स्नैक्स बना के उनके नाम पे प्राइवेट लेबलिंग करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने बार्स बनाए हैं मिलेट्स यूज़ करके, चॉकलेट्स, चॉकलेट बार्स, एनर्जी बार्स, प्रोटीन बार्स, शुगर फ्री बार्स, फिर बेबी फूड प्रोडक्ट्स जैसे ये राजगिरा इस्तेमाल करके उसमें बच्चों के लिए स्वादिष्ट सेरेलैक जैसे पॉरिजेस, ये सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं।
तो हमारी यूएसपी ये है कि हमारे यूनिट में बहुत सारे मशीनरीज है, सुविधाएं हैं, जहाँ पे हम थोड़े भी मात्रा में, थोड़े क्वांटिटी में सारे स्टार्टअप्स को हम हेल्दी फूड्स मैन्युफैक्चर करके देते हैं और उनको गाइडेंस देते हैं, सपोर्ट करते हैं कि ताकि उनका प्रोडक्ट सब जगह पे ज़्यादा शहरों में जा सके। हम लोग राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव 2023 में आए हैं। हमारे साथ तीन स्वयं सहायता समूह के सदस्य आए हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स जो मिलेट के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए तैयार करे हैं उनको साथ लेकर आए हैं। एक हमारे एंटरप्रेन्योर हैं जो कि बेकरी से मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मेरा आप सबसे एक अनुरोध है कि हमने स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में एक इनिशिएटिव किया है, एक पहल ली है और हम अपने प्रोडक्ट्स जो वोकल फॉर लोकल हैं, अगर हमने सदियों से अपना लोकल जो प्रोडक्ट बनाया है, जैसे हमारे लड्डू हैं, कुरकुरे हैं, हमारे मठरी और सेव आदि प्रोडक्ट हैं, वो हम चाहते हैं कि जो महिलाएं बनाएं और बहुत छोटे स्टार्टअप से बना सकती हैं, वो उसकी सेल भी होती है। लेकिन हमारे साथ अभी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि कुछ काम धंधा लेना चाहती हैं, कुछ काम करना चाहती हैं, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि स्वयं सहायता समूह का संगठन हो और वो स्वयं सहायता समूहों के संगठन एक साथ मिलके प्रोडक्ट डेवलप करें और वो प्रोडक्ट जिस तरीके से हमारे घर घर में आज बिस्किट आ गया है, यूरोप के घर घर में एक बाजरे का लड्डू जाए, बाजरे के प्रोडक्ट जाएं, जिस तरीके से हम लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल हैं तो लोकल टू ग्लोबल भी हो, जिससे कि हमारी माताओं और बहनों को डोर स्टेप पे एम्प्लॉयमेंट मिले। और ये जो दो दिवसीय मिलेट कॉन्क्लेव है राजस्थान में जो आयोजन हो रहा है, इसमें IIMR इसके साथ में नॉलेज पार्टनर भी है और टेक्नोलॉजी भी दे रही है। हमारा मेन मकसद है कि किसानों को बाजरा, जो भी किसान यहाँ पे राजस्थान में उगा रहे हैं, उनको सही दाम मिले और बाजरे का वैल्यू एडिशन हो। इसके लिए हम पूरी तरह से जो भी हमारी न्यूट्री हब से जो सहयोग दे सकते हैं वो पूरी तरह देने के लिए हम तैयार हैं और हमारे लोग पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे आकर सारे चीज़ों का आयोजन कर रहे हैं और राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी किसानों को चयन किया जा रहा है उनको हम स्टार्टअप का सपोर्ट भी देने वाले हैं और हैंड होल्डिंग भी करेंगे। और साथ ही साथ आपने देखा है कि हमारे IIMR न्यूट्री हब के थ्रू जो हम लोगों ने वहाँ दूसरे लोग इंडस्ट्रीज वालों को हमने साथ लेके गए हैं, वैल्यू एडिशन में नए नए प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उसी तरह का राजस्थान में भी बाजरा के साथ भी उस तरह के प्रोडक्ट्स बने और उस तरह का एंटरप्राइजेस आगे आए और डेवलप हो जाए, इन सब के लिए हम IIMR के तरफ से प्रयास कर रहे हैं। और इसके पहले जब मैं यहाँ जोधपुर में थी, हम किसानों के लिए नए नए किस्में तैयार करते थे और हाइब्रिड बाजरा एक थी MPMH 35 करके, जो यहाँ का राजस्थान में जो लोकल देसी बाजरा की जो इंटरेस्ट लेते हैं लोग, उसी तरह का एक संकर किस्म हम लोगों ने डेवलप किया है, जिसमें नर का जो कैरेक्टर्स हैं वो पीली बाजरा के तरह के कैरेक्टर्स होते हैं और वो खासकर जो कम पानी वाला इलाके हैं, कम बारिश वाले इलाके हैं, उसके लिए हमने विकसित किए हैं और ये आपका पश्चिम राजस्थान के लिए बहुत ही उपयुक्त हाइब्रिड है। और इस तरह का काली हम हाइब्रिड से नहीं डेवलप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज भी डेवलप कर रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो IIMR न्यूट्री हब के द्वारा जो हैंड होल्ड करके जो टेक्नोलॉजीज लेके इतने सारे स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पे, ये सब IIMR न्यूट्री हब के हैंड होल्डेड स्टार्टअप्स और नौ कंपनीज के रूप में आ गए हैं। इसी तरह का हम राजस्थान में भी रेप्लीकेट करना चाहते हैं। किसान भाइयों, राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव निश्चित रूप से एक सफल आयोजन के रूप में दिख रहा था। किसान भाइयों ने बहुत ही उत्साह के साथ इस आयोजन में भाग लिया और जिस तरह से 2023 में
अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रकार के आयोजनों में किसान भाइयों को भाग लेना चाहिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, हर घर में मिलेट्स सजे, सवरें और थाली का हिस्सा बने, इसी थीम को लेकर राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। साथियों, ये आपका अपना कार्यक्रम है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया। इस कार्यक्रम से जुड़े कुछ सुझाव आपके पास में हो तो आप हमें इस पते पर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता है, कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झलाना डोंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।